બોલો તમે કહો ઉડિયા મે ના હાય ગાઈઝ વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ વ્લોગ્સ વિથ અનુ એન્ડ મે હું અનુ તો અભી મેં આ ગઈ હું કિચન મેં આજ ક્યાં પકને વાલા હે મેરે કિચન મેં પતા હે આજ 70 રૂપિયે કા ડ્રમસ્ટિક પકને વાલા હે યે દેખો મેં ઇસકો કટ કરકે આલુ કટ કરકે પાણી મેં અચ્છે સે ધોકે રખ દી હું ઇસકો આજ મેં બનાઉંગી આપસે રેસિપી શેર કરૂંગી તો ચલિયે ચલતે હૈ રેસિપી આપ લોગો સે શેર કરતી હું આપ લોગ ભી બનાઈએ ખાઈએ और रेसिपी बना के खाने के बाद हम लोग जाने वाले हैं घूमने तो आप लोगों को भी लेके चलूंगी वहाँ पे एक नया जगह में तो चलिए जल्दी से रसोई का काम खत्म करके खाना पीना खत्म करके चलते हैं घूमने हम लोग प्रिपेयर करेंगे ड्रमस्टिक का सब्जी मैं जैसे भी मतलब सिंपल तरीके से बनाती हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ आप लोगों को पता होगा शायद अगर पता भी है तो कुछ बात कोई बात नहीं मैं डेली रेसिपी शेयर करती हूँ इसीलिए शेयर कर रही हूँ और मैं यहाँ पे तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा और सूखा मिर्च डाल दे रही हूँ और चॉप करता हुआ एक प्याज भी डाल दे रही हूँ उसको अच्छे से हम लोग अभी फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन कलर ना गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए अभी हमारा प्याज थोड़ा सा मतलब फ्राई हो गया है इसी में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कुछ सूखा मसाला जैसे कि हल्दी पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी मिर्च पाउडर गरम मसाला चिकन मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा इसको अच्छे से मैं मिक्स करके थोड़े टाइम के लिए लिड बंद करके पकने के लिए छोड़ देंगे देखो देखो ये आदमी देखो दरवाजा बंद कर थोड़ा पैर फिसल रहा है खोल लो ये देखो यहाँ यहाँ पे छुप के बैठा है अभी 2 मिनट हो चुका है हमारा मसाला का जो कच्चा स्मेल है वो भी चला गया है इसमें मैं डाल दूंगी एक कटा हुआ टमाटर और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और नरम हो जाए तो अभी इसको हम फिर से लिड बंद करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे टमाटर को अच्छे से पकने के लिए साइड में मैं बिठाई थी राइस के लिए पानी जो कि गर्म हो गया है तो मैं चावल को अच्छे से धो के उसमें डाल दे रही हूँ और वो भी 5 से 10 मिनट के में रेडी हो जाएगा राइस ये देखो क्या कर रहे हैं बैठ के मोबाइल एनी टाइम मोबाइल ना एनी टाइम मोबाइल में न्यूज है ना क्यों क्यों स्माइल क्या दे रहे हो देखो ये जो इनोसेंट फेस का ना अंदर बहुत बड़ा है राखियों से मत राखिया से कोई ला उड़िया में फिर से देखो आप लोग समझ रहे होंगे कितना इनोसेंट है लेकिन नहीं है बिल्कुल पता है ठीक है जाओ अभी अब मैं खाना बनाओ जाओ क्यों खाना बनाओ ठीक है मैं बनाऊं देख लिया इनोसेंट फेस का ओरिजिनल डुप्लीकेट ये डुप्लीकेट फेस है ओरिजिनल अंदर है और एक है ना कमेंट सेक्शन में बताना हाँ चमन ब्रश नहीं खा रहा था अभी 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 देखो खा रहा है हर दिन कुछ ना कुछ बहाना बताता है अभी नहीं खाऊंगी बाद में खाऊंगी अभी नहीं खाऊंगी बाद में खाऊंगी और सारा मेडिसिन मुझे खिला देते हैं खाऊंगा हाँ खाऊंगा सॉरी सारा मेडिसिन मुझे जबरदस्त खिलाते हैं और खुद का मेडिसिन खुद नहीं खाते हैं ये मेडिसिन नहीं है मेडिसिन नहीं है और क्या है इम्यूनिटी पावर के लिए है ना तो मेडिसिन ही है ना
चलो छोड़ो, ये आदमी को यहाँ पे ही छोड़ दो, वो न्यूज देखता रहे। हम लोग किचन में चलते हैं। तो अभी 2 मिनट हो गया है, हमारा टमाटर अच्छे से पक गया है। देखिए मैं इसको स्पून के मदद से उसको मैश कर दे रही हूँ। अभी हम लोग जो कट करके ड्रमस्टिक और आलू को रखे थे उसको भी उसमें डाल देंगे और मसाले में उसको अच्छे से मिक्स करके उसको मसाले के साथ कुछ टाइम के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से और ड्रमस्टिक और आलू अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाए और अच्छा टेस्ट आए उसका। तो उसको हम लोग अभी कुछ टाइम के लिए लिड बंद करके अच्छे से पका देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर अच्छे से नमक एब्जॉर्ब हो। मैं 2 ग्लास पानी डाली थी क्योंकि हम लोगों को ग्रेवी वाला सब्जी पसंद है और हम लोग यहाँ पे कुछ भी दाल वाल नहीं बनाए हैं। इसके साथ हम लोग राइस खाएंगे ओनली, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी दी हूँ। अगर आपको कम ग्रेवी पसंद है तो आप कम पानी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद हमारा जो ड्रमस्टिक का सब्जी है बिल्कुल रेडी है और कितना अच्छा दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं। आप इसमें धनिया पत्ता, गरम मसाला लास्ट में ऐड कर सकते हैं, चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमारा खाना प्रिपेयर हो गया है, ड्रमस्टिक का सब्जी, सैलड और राइस। हम लोग अभी लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे घूमने। टेस्टी 70 रुपए का ड्रमस्टिक है, टेस्टी नहीं लगे तो भी बोलना पड़ेगा टेस्टी है। अभी हम लोग जाएंगे घूमने। कहाँ जाएंगे घूमने? आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस हम लोग जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं। चलो पहले रेडी हो जाते हैं। हम लोग रेडी है। कौन अच्छा लग रहा है? मैं नहीं। अच्छा, सब कमेंट सेक्शन में बताना कौन अच्छा लग रहा है। ये देखो मैं मेरे ड्रेस से मैचिंग करता हुआ खुद बनाई हूँ हेयर बैंड। तो चलिए अभी चलते हैं जल्दी जल्दी, है ना? मैं टेररिस्ट बन गया, ऐसे जाऊंगी। अभी हम लोग पहुंच गए आगा खान पैलेस। ये है हमारी टिकट।
और अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आगा खान पैलेस में क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट लगे वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली मतलब गांधी जी के जो पत्नी थे कस्तूरबा जी, उनको बंदी करके रखा गया था। गांधी जी को भी बंदी करके रखा गया था और कस्तूरबा जी का देहांत भी यहाँ पे ही हुआ था। हम लोग जा रहे हैं कस्तूरबा जी का जहाँ पे देहांत हुआ था मतलब उनका समाधि की ओर, वहाँ पे ही जा रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं पास से आप लोग को पहुँचने के बाद। गाइज ये है कस्तूरबा जी का समाधि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, और उसके साइड में जो दूसरा वाला दिख रहा है वो उनका सेक्रेटरी का समाधि है। वो दोनों का देहांत यहाँ पे ही हुआ था, उनको यहाँ पे ही बंदी करके रखा गया था। तो चलिए आगे आगे मैं बताती जाऊँगी कि इसमें और क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा ग्रीनरी था, मतलब आपको पूरा फ्रेश फील होगा यहाँ पे आके। अगर आप लोग कोई भी पुणे से हो, यहाँ पे नहीं आए हो, तो ज़रूर आए, घूम के जाए, बहुत कुछ पता चलेगा हिस्टोरिकल बातें के बारे में। और यहाँ पर यहाँ का ग्रीनरी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था। थोड़ा सा धूप हो रहा था क्योंकि हम लोग जल्दी गए थे। आप लोग थोड़े मतलब ये जो आगा खान पैलेस है 5:30 बजे तक खुला रहता है, तो उसके भी आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन कभी भी जाएं अच्छा लगेगा आप लोगों को।
यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर आते हैं घूमने के लिए, तो अगर आप लोग इंडियन हैं या आप लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं अभी आगा खान पैलेस में। वहाँ पे कुछ मतलब फॉरेनर थे, वो कुछ मतलब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो वो वहाँ पे पोज दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही मज़ा आया और ये पैलेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि ग्रीनरी ग्रीनरी है। हम लोग भी नेट से सर्च करके गए थे तो उसका लिखा गया था कि ग्रीनरी बहुत है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। अगर आप नहीं गए हैं तो कभी भी जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी दिखाती हूँ क्या क्या सब है ये आगा खान पैलेस में। यहाँ पे मतलब डिवाइड करके बहुत कुछ लिखा हुआ है गांधी जी के बारे में, कस्तूरबा जी के बारे में, हमारे इंडिया में कैसे कुछ मतलब गांधी जी क्या क्या किए थे, कैसे किए थे, ये सब जानकारी दिए गए थे। यहाँ पे एक स्टैचू भी था गांधी जी का, वो बैठे हुए थे। यहाँ पे कस्तूरबा जी के स्टैचू है। वैसे कुछ यहाँ पे मतलब म्यूजियम की तरह ही है, मतलब गांधी जी, कस्तूरबा जी और सरोजिनी नायडू, लोगों को पता होगा इंडियन में ये सब लोग मतलब हमारे स्वाधीनता लाने के लिए बहुत ही मतलब मेहनत किए थे, तो वो सब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे जो कमरा दिखा रहा है, मतलब जो रूम दिखा रहा है, वहाँ पे ही कस्तूरबा जी का देहांत हुआ था, तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। Thank you.
है हमारे हीरो और ये है आगा खान पैलेस। ये देखो ये आदमी गुस्सा में बैठी है यहाँ पे। हाँ गुस्सा क्या है हंसी क्या है इनको पता भी नहीं चलता, पागल बोल रहे हैं मेरे फोटो नहीं खींच रहे हो, सभी मेरे अकेले अकेले फोटो में तुम आ जाती हो, लड़कियाँ नहीं पढ़ते हैं। सही तो है ये बोल के बैठा है। ये देखो पीछे में है आगा खान पैलेस। सही बोला ये सो गया है नीचे भगवान। हो गया बस कैमरामैन बस हो गया। बोलो तुमको उड़िया में ना इंद्रे को ताप उड़िया कितना कुछ हम लोग दिखाए वीडियो में सारा कुछ अच्छे से पढ़ना, पढ़ने से बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को मिलेगा, बहुत कुछ हिस्टोरिकल प्लेस हिस्टोरिकल बातें आप लोगों को पता चलेगा कस्तूरबा और गांधी जी के बारे में, है ना। फोटोज और वीडियोस दोनों में है। हाँ, तो बीच बीच में वीडियोस को पॉज करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, बहुत कुछ पता चलेगा, जीके नॉलेज आ जाएगा। हाँ इसीलिए हम लोग डिटेल्स में बनाए हैं वीडियो, बस ये है और हम लोग अभी जाएंगे घर थोड़ा सा रेस्ट करके। बस कैसा लगा वीडियो बताना। हाँ, और अगर कोई पुणे में है या मुंबई में है अगर कभी पुणे आए देखा है तो जरूर आइए देखिए, अच्छा जगह है, ग्रीनरी है। तो 5:30 बजे ये जगह बंद हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करें अपने आने और जाने का हिसाब से। हाँ। शाम को 5:30 बजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग आगे लाएंगे, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, और कुछ जगह पुणे में होगा हम लोग नहीं गए हैं, आप लोगों को दिखाए नहीं है, आप लोगों को पता है तो बताइए, हम लोग जाएंगे वीडियो बनाएंगे नहीं जरूर। तो चलिए अभी ब्लॉग को एंड करते हैं, हम लोग जाएंगे घर और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो सकता है। बाय बाय ऑल, बाय बाय बाय, टेक केयर।